दोस्तों, मैंने एक चीज़ बहुत दिनों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इस जर्नी के दौरान मैंने पाया है कि बच्चे क्लास 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में, इवन 11, 12 में भी पहुँच जाते हैं, बट उनका कुछ कुछ बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो पाती है या उनका क्लियर रहता नहीं है। और हो सकता है कि वो अपने शिक्षकों से पूछते नहीं हैं या शर्माते हैं या आप उनको उस चीज़ों से थोड़ा हिचकिचाहट या डर रहता है, जिसके कारण वो उनके साथ घुलते मिलते नहीं हैं और धीरे धीरे उनका बेसिक जो है वो वीक या कमज़ोर पड़ते चला जाता है। तो मैं एक सीरीज़ लेके आपके सामने आऊँगा और मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो बना के आप लोग को देता रहूँ और आप लोग उन वीडियोस को देखें और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो हमें करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। और क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से घर में पढ़ सकते हैं, तो आपके अंदर जो हिचकिचाहट है, जो शर्म है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लास में कैसे पूछूं, अपने टीचर से कैसे पूछूं, ये भी आपका दूर हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे बहुत मदद करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बच्चे जो हैं उन छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं और आगे उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही छोटी सी बात से हम लोग आज शुरू करेंगे। आज जो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, वो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर। कुछ दिनों पहले मैं एक क्लास 9 की बच्ची के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था और मैंने उसे पाया, जब मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं वहां पे एक बार इक्वेशन एक आया जिसमें सॉल्यूशन आया 12 का स्क्वायर, तो उस 12 के स्क्वायर में उस बच्ची ने लिख दिया 24। उसी तरह से एक जगह पे उसका आया था 20 का स्क्वायर, उस बच्ची ने लिख दिया 40। और मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको स्क्वायर का मतलब पता नहीं है, एक नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है। उन्होंने बहुत सारे सवाल अपने जूनियर लेवल्स में, जूनियर क्लास में बनाए होंगे बट उन्होंने कभी उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सॉल्व करके आंसर निकालने पर ज़्यादा जोर दिया। तो बच्चों, दोस्तों, आप देखिए क्या होता है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर क्या 24 है? नहीं। 20 का स्क्वायर क्या 40 है? नहीं। ये रॉन्ग है, ये गलत है बच्चों, दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली में स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखते हैं, सपोज हम लोग लिख रहे हैं 12 का स्क्वायर, तो बच्चों इसका मतलब है कि 12 जो नंबर है उसको 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। पावर का कभी भी कोई भी पावर रहता है दोस्तों, इसका मतलब है उसी नंबर को रिपीट करना है। ये पावर आपको बताएगा हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार रिपीट करना है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट, कितने बार हम लोग इसको रिपीट करेंगे। तो यहां पे नंबर है 2, तो 12 को हम लोग दो बार रिपीट करेंगे और 12 इंटू 12 करेंगे बच्चों, तो ये आप आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 144। ये होता है स्क्वायर का मतलब। जैसे 20 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट ये छोटी छोटी बातों का कंसेप्ट भी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे उनको आगे बहुत परेशानी होती है। 20 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो इसका मतलब 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी बार? दो बार। तो 20 इंटू 20 दिस विल बी इक्वल टू 400। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरह से हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो आप लोग भी कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकाल के देखेंगे और आप कोशिश करेंगे उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझने का कि उसमें क्या हो रहा है। और एक बात स्क्वायर से रिलेटेड है, देखिए कभी कभी हमारे पास एक स्क्वायर इज इक्वल टू
मान लेते हैं 16 है, तो हमें x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो 16 × 16 कर देते हैं आंसर, कभी वो कुछ और कर देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ समझने का मतलब है कि x को एक नंबर है, उसको दो बार मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो बच्चों, एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है दो बार। यहाँ पर बच्चों एक्स एक्स का स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा दोस्तों, और एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 आना चाहिए। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको जब खुद से मल्टीप्लाई करें दो बार तो 16 आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो हमारा वो नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको अगर मैथमेटिकली ऑपरेट करके दिखाएं दोस्तों तो कैसे होगा, x का स्क्वायर हमको इसको x बनाना है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, हमें x का मान निकालना है, तो इसको x बनाना है, तो ये 2 हमको हटाना पड़ेगा, तो इस 2 को कैसे हटाएं बच्चों, हम लोग यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पावर को, x का पावर, इसको पावर कहते हैं, x का पावर दोस्तों है 2, तो उसको 1 बनाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू अगर हम लोग इधर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हम लोग को इसका पावर 1/2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा x, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा ये हम लोग को देखना है, तो 16 है, तो 16 को अगर हम फैक्टर में करें तो 16 को फैक्टर में क्या करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 आप लिख सकते हैं, 4 बार 2 आया, तो पावर 1/2, यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 4 × 1/2, तो 2 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बचेगा, दैट इज 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा ये सब तो हम लोग जानते हैं। बच्चों अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ को बनाना और किसी चीज़ को सही तरीका से जान के बनाना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। आप चीज़ों को जानिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको जान जाएंगे बच्चों तो आप कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है छोटी छोटी इस तरह की बातों का वीडियोस मैं आप लोगों को देता रहूं। आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हों वीडियोस को देखिए, अगर किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत लगता है आप कमेंट करें, या अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एकदम बेसिक टॉपिक जो आपका क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और फिर हम लोग नए वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे किसी और छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।